ड्राइवर की कार का पहिया बदलवा रहे डॉक्टर को बस ने कुचला, हुई मौत। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात भीषण सड़क हादसे में प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट केतन खुजीरकर समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सड़क किनारे पंचर कार का पहिया बदलवा रहे थे, इसी दौरान बस ने पीछे से टक्कर मार दी। कार में चार लोग सवार थे। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। तलेगांव धबाड़ा के इंस्पेक्टर किशोर महसवड़े ने सोमवार को कहा कि यह दुर्घटना रविवार रात 10:30 बजे के करीब सोमाटेन गांव के पास हुई है। केतन खुजीरकर 44 साल की उम्र और दो अन्य ऑर्थोपेडिक सर्जन कैब से पुणे से मुंबई की ओर जा रहे थे। जब कैब गांव में पहुंची तो चालक ने अपने पंक्चर पहिए को बदलने के लिए कार को सड़क किनारे रोक दिया। इसके बाद डॉक्टर ड्राइवर की मदद करने लगे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब कैब चालक टायर को बदल रहा था, तभी उस समय पीछे से आ रही एक निजी बस ने उन सभी को टक्कर मार दी और डॉक्टर खुजीरकर और कैब ड्राइवर ज्ञानेश्वर भोसले की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य दो डॉक्टर घायल हो गए। स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर खुजीरकर संचेति अस्पताल में स्पाइन सर्जरी विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने लगभग 3,500 जटिल सर्जरी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24 न्यूज़।